लेकिन सर वो भी इन्फॉर्मेटिव है। अभी आपको मेरा सवाल ही शायद थोड़ा सा बता दे, आपने कहा कि आपने जर्नलिज्म शुरू किया अखबार के जमाने से, सो बेसिकली दैट्स अ बेस, और वो जर्नलिज्म में आने से पहले ऑफ कोर्स आपने जर्नलिज्म पढ़ा भी। फिर अच्छा पढ़ा नहीं, लेकिन चले वहां से शुरुआत हुई, एक्सपीरियंस सम टाइम काउंट्स एज अ जॉब ट्रेनिंग। पढ़ाया तो है ना आपने, पढ़ाया तो है, ठीक है जी। अब माशाल्लाह वहां से आप अभी भी आप यही करते हैं कि सुबह उठ के, मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा हुआ जिसमें आपका इंटरव्यू था और आपने कहा कि पहले मैं उठ के सारे अखबारों का मुताला करता हूँ, अभी भी आपने एडमिट किया। अच्छा जब आप मुताला कर लेते हैं तो नाउ यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर ओन आर्टिकल एंड देन यू आर फुली प्रिपेयर्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन व्हाट एवर हैपन यस्टरडे और डे बिफोर। तो मुझे ये बताएं कि आप तब दिल की सुनते हैं या दिमाग की सुनते हैं जब लिखते हैं? मैं दिल की नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता, मैं दिमाग की सुनता हूँ। मैंने अपनी नफरत और अपनी मोहब्बत जो है इसको सुला दिया। तो फिर ये सहाफत के लिए खुला तजाद नहीं है? जब तक बेल की फोटो सुना थी मैं बहुत ज्यादा प्रो पीपल्स पार्टी था और उस वक्त नफरत और मोहब्बत दोनों मेरे अंदर जिंदा थे, उसी ऐनक से मैं देखता था। मुतना बेनजीर भुट्टो के बाद वो ऐनक मैंने उतार दी है और बहुत को जो है अब मैं वेरी गुड बिल्कुल इस एंगल से देखता हूँ कि असूलों की बुनियाद पे कि यार ये मीडिया की आज़ादी के खिलाफ बात कर रहा है, नहीं भाई ये नहीं, गलत है, ये जमहूरी आज़ादी के खिलाफ बात कर रहा है, ये गलत है, असूल ये पार्लियामेंट की मजबूती के खिलाफ बात कर रहा है, ये गलत है, ये फौज की मुदाखलत की बात कर रहा है, ये गलत है, ये जमहूरियत के खिलाफ बात है, ये गलत है। सर्टन प्रिंसिपल्स हैं जिन जो मेरी ऐनक अगर है कोई तो वो ये है। बाकी मैंने अपने जज्बात सुला दिए और उसका फायदा ये हुआ है कि मुझे हर चीज़ वाजे नजर आती है, ठीक है। ये बताएगा कि